कुछ व्यवधान हो गया था। जितना हमने पिछली वीडियो में किया उसके आगे जस्ट कंटिन्यू रखते हैं। सारे आर्टिकल मैंने आपको बता दिए, अनुच्छेद 51 तक, 36 से 51 तक के नीति निर्देशक सिद्धांत हमने डिस्कस कर लिए, और डिस्कस करते वक्त हमने काफी पाया कि जो भी हमारे कानून बने हैं, नई विधियां बनी है, नई स्कीम्स लॉन्च होती हैं, है ना, उसमें इन डायरेक्टिव स्टेट प्रिंसिपल्स का बहुत ही ज्यादा रोल रहता है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसकी इंपॉर्टेंस हमारे गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन में साफ दिखती है। अब अगर एक बार हम कंपैरिजन करें कि फंडामेंटल राइट्स का और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का, मतलब मूलभूत अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांतों में क्या अंतर है। सबसे पहली बात तो क्या है, मूलभूत अधिकार को चैलेंज कर सकते हैं, चुनौती दी जा सकती है कोर्ट में मूलभूत अधिकार में। जबकि अगर सरकार नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू नहीं करती है तो ये कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकते। बहुत मेन इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, पेपरों में आता है। फंडामेंटल राइट्स चैलेंज हो सकते हैं, डीपीएसपी चैलेंज नहीं हो सकते। दूसरी बात, अगर आप देखेंगे तो मूल अधिकार जो है इसकी राज्य को जो दिया गया है गाइडलाइन नेगेटिव है, मतलब कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको ये नहीं करना है ना। जो फंडामेंटल राइट है वो नेगेटिव सेंस दिखाते हैं राज्य सरकार की ओर से, वेरस डीपीएसपी नीति निर्देशक सिद्धांत राज्य सरकार या राज्य के लिए सकारात्मक सोच दिखाते हैं, है ना, पॉजिटिव एटीट्यूड शो करते हैं, जबकि फंडामेंटल राइट नेगेटिव नकारात्मकता शो करता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया, ये दोनों चीज आपको क्लियर हो गई। इमरजेंसी में फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जा सकता है, जबकि नीति निर्देशक सिद्धांत के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। समझ गए, मूलभूत अधिकार को इमरजेंसी में आपातकाल में स्थगित किया जा सकता है, जबकि नीति निर्देशक सिद्धांत सदैव ऐसे ही बना रहता है। मूलभूत अधिकार आपको एक प्रकार से राजनीतिक सुरक्षा प्रदान करता है, मूलभूत अधिकार आपको पॉलिटिकली इम्यूनिटी तो क्या कहेंगे, सिक्योरिटी देता है, जबकि नीति निर्देशक सिद्धांत आपको सोशल वेलफेयर स्टेट देता है, आपको सामाजिक रूप से सुरक्षा देता है, मतलब कि आपके कल्याण की बातें करता है, आपके कल्याण की सोचता है ना, तो सोशली आपको एम्पावर करता है, वेयर इज फंडामेंटल राइट्स एम्पावर्स यू पॉलिटिकली, है ना, ये क्लियर हो गया। और एक संविधान का संशोधन था, 25वां संविधान का संशोधन, जिसमें कि नीति निर्देशक सिद्धांत को ओवरराइड कर दिया गया था संशोधन करके फंडामेंटल राइट्स के ऊपर। तो आप ये समझ सकते हैं कि इसका महत्व कितना ज्यादा है। कई संविधान विशेषज्ञों ने इसको एक दूसरे का पूरक कहा है, मतलब ये बिल्कुल है ना, दो फेस हैं एक ही कॉइन के। मिनर्वा मिल्स के केस में, बड़ा फेमस केस है, उसमें इसको और फंडामेंटल राइट्स को बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर की तरह देखा गया है, ठीक है ना। सॉरी, 42वें अमेंडमेंट में काफी ऐसे सुधार किए गए, नई चीज में ऐड की गई ताकि ये तत्व और मजबूती के साथ रिप्रेजेंटेशन दे, है ना, सिर्फ एडवाइजरी बन के ना रह जाए और सरकार इसको ओवरलुक ना कर दे। अब सरकार के लिए ओवरलुक करना आसान नहीं है, ठीक है ना। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आपका कंप्लीट हो गया, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कंप्लीट हो गए। अगली वीडियो मेरी आ रही है मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज, मैंने पार्ट चार तक करा दिया है। अब अगला जो होगा मौलिक कर्तव्य पार्ट 4A है, है ना, वो बाद में ऐड हुए थे ना, 51A करके, 51A पढ़ेंगे। ये भी गिर गया, 10 मिनट की वीडियो में वो सारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो फटाफट चलते हैं आगे और अगली वीडियो की तैयारी करते हैं। थैंक यू सो मच।